ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਦੀਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਲੁਟੇਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ मुलाजमान के उपर उन्होंने वालों गोलियां चलाई जाती लुटेरिया के वालों तो दस्या जा रहा है कि स्टोर से काम कर रहे करणवीर के गोलियां लग जाती हैं जिस तो बाद उन्हां दी मौत हो जाती है। उस दस्सिए कि नौजवान पटियाला के समाना का रहने वाला सी जिसका नाम करणवीर सिंह दस्या जा रहा है कि 2 साल पहला अमेरिका के कैलीफोर्निया के विच काम करने के लिए गया सी। सुनहरे भविष्य के लिए नौजवान गया सी ताकि अपने परिवार का भविष्य होर सुनहरी कर सके, भविष्य उन्होंने चंगा हो सके, पर उत्थे दस्सिए कि मनभागी खबर वापर जाती है। उस नौजवान का गोलियां मार के कतल कर दिता जाता है। दस्सिए कि इस नौजवान की पत्नी का रो रो के बुरा हाल है। दस्सिया जा रहा है कि उन्होंने उन परिवार के उसकी 3 भैनां दसिया जा रही ने, तो एक उसकी पत्नी है तो एक उसका 6 साल का मासूम बच्चा है जिसके सिरों बाप का साया उठ चुकिया। दस्सिए कि इस घटना तो बाद पत्नी का रो रो के बुरा हाल है। पत्नी के वालों जानकारी दिंदिया दस्सिया गया कि उन्होंने पति की रोज उन्होंने गलबात होंदी सी, पर उन्होंने कहना है कि तकरीबन 3 दिनों तो उन्होंने आपस गलबात नहीं हो पा रही सी। जो भी वो फोन करते सी तो उन्होंने कहा जाता सी कि वो किते बिजी ने या फिर उन्होंने नाल संपर्क नहीं हो पा रहा सी। जो तीसरे दिन उन्होंने पता लगता कि उन्होंने पति का गोलियां मार के कतल कर दिता गया। उन्होंने कहना है कि उन्होंने स्टोर के उपर कुछ लुटेरे आए थे, उन्होंने वालों उन्होंने उपर गोलियां चलाईया गई ने। दस्सिए कि मृतक नौजवान का नाम करणवीर सिंह दस्या जा रहा। दस्सिए कि इस मनभागी खबर तो बाद परिवारिक मैंबरां दा रो रो के बुरा हाल है। परिवार ताहा मार के रोंदा होया नजर आ रहा है। तो शिव सुनो मृतक नौजवान दी पत्नी इस संबंधी की जानकारी दे रही है। परसों ये गल परसों दा हां जी उद बाद फोन नहीं आया। की कहंदे सी की बना कुछ पता लगया? कुछ नहीं पता लगा सानू तो इतना ही पता 2 दिन हो गए गल नहीं सी हुंदी हैगी। ओथे कॉल करी जांदे सी कहंदे घूमण गए ने, फोन टूट गया तां नहीं फोन चक रहे। अज सुबह ही फोन आया तो उन्होंने दस्सिया भी एवें करके उन्होंने डेथ हो गई, गोलियां वजियां सी स्टोर ते लुटेरे जेडे हुंदे ने ओथे उन्होंने गोलियां मारती। कितना टाइम हो गया जी गया मैंने? 2 साल हो गए। पिछे परिवार दे विच कौन कौन है जी? एक मैं ते एक मेरा बेटा ही बस। ये भैन नहीं बाकी नहीं हो गया मैरिड नहीं। बहुत ही दर्दनाक घटना जी हुई है। एक परिवार का जी जो रोजी रोटी कमाने वास्ते विदेश की धरती से गया होया घटना हुई है। परिवार में बहुत बड़ा दुख है जोड़ा कि कभी घाटा जोड़ा पे पूरा नहीं हो सकता तो दुख सह जाने वाला नहीं होता। सो असी परिवार नाल इस दुख की घड़ी दे विच खड़े हां। जे आपां गल करिए कोई पंजाब सरकार वालों इन्हां दी कोई मदद कीती है कोई डैड बॉडी ने इत्थे लियाउण वास्ते? देखो जी वही गल चल रही सी एसडीएम साहब नाल गल करी है उन्होंने जो चाहिए कोई फायदा अपना वैसे तो होम मिनिस्ट्री का मैटर है इतने आ जाता इंटरनेशनल लैवल का मसला है। ये साढ़े वालों जिनी भी हो सकी असी उन्नी अपना पैरवाई करांगे। जेडे अज अपने मुंडे उत्थे जाके काम कर रहे हैं आपां नूं चाहिए भी कोई सरकार वालों जां कोई अपने लेवल ते इत्थे काम मिल जाए उत्थे ना जाया जाए। ਕੰਮ तो इत्थे है ही है जी जिन्हें करना है, पर हुण एक तरह का यह ट्रेंड ही बन चुकिया। हर परिवार के नौजवान बाहर जाके ज़्यादा उन्होंने एक ट्रेंड बनया भी बाहर ही जाना है। रोजी रोटी तो इत्थे भी परिवार का वधिया सीगा गुजारे जोगा हैगा सीगा। चलो हुण जिवें रील चली हुई है जाई जांदे ने मुंडे इत्थे भी रोजगार कर सकते हैं, इत्थे भी सरकार मौके दे रही है अपना कारोबार करने।